आगामी दिनों में आने वाले त्यौहार होली रंग पंचमियों को लेकर पुलिस विभाग द्वारा सभी पुलिस चौकियों पर शांति समिति की बैठक आयोजित की जा रही है, जिसके चलते शनिवार के दिन पुलिस चौकी छापड़ा पर बागली SDOP महेश व्यास, थाना प्रभारी जयराम चौहान की उपस्थिति में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें नगर के व्यापारी, पत्रकार और गणमान्य नागरिक शामिल हुए। इस दौरान होली पंचमी और मेले को लेकर चर्चा में कहा गया कि शांति और सौहार्द भाईचारे के साथ पर्व को मनाने की अपील की। वहीं होली पर DJ पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। हुड़दंग करने वाले असामाजिक तत्वों पर पुलिस सख्ती से कार्रवाई करेगी। नागरिकों सुझाव मांगे। इस दौरान SDOP राकेश व्यास ने कहा कि मास्क का उपयोग जरूर करें, जरूरी हो तो ही घर से निकले, 2 गज की दूरी बनाकर रखें। कोरोना से हमें और हमारे परिवार को बचाने के लिए स्वयं आगे आना होगा। बागली से रवि पाटीदार की रिपोर्ट। आगामी दिनों में होली पर्व भी आना हो, लगातार शांति समिति की बैठक थाना अंतर्गत की जा रही है। तो आज आगामी त्यौहार होली धुलेंड रंग पंचमी के उपलक्ष्य में कस्बा छापड़ा के गणमान्य नागरिकों को, पत्रकार बंधु, व्यापारी संघ के लोगों को बुला के शांति समिति की मीटिंग हुई थी। मीटिंग में हमारे SDOP महोदय श्री राकेश व्यास बागली बना रहे थे। आगामी त्यौहार आने वाले शांतिपूर्वक लोगों से त्यौहार मनाने की अपील की गई तथा आगामी कोरोना 19 को देख बढ़ते हुए प्रकोप को देखते हुए लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाने एवं सैनिटाइज यूज़ करने और अकारण घर से बाहर नहीं जाने संबंधी समझाइश दी गई है। सर, आप क्या संदेश देना चाहते हैं पब्लिक के लिए त्यौहारों के लिए? पुलिस विभाग की तरफ से संदेश यही है कि आगामी त्यौहार शांतिपूर्वक मनाए, भाईचारे से मनाए और किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न ना करे और ये COVID-19 का जो प्रकोप है इसके अंतर्गत इसका पालन करते हुए त्यौहार मनाए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।